छाया कार बंधुओं, आज एक व्यवस्था के तहत हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 9 वर्ष पूरे हुए हैं और हमारे यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत, भारतीयता और भारत के लोगों का सम्मान आज विश्व शिखर पटल पर है। आज एक बदलाव आया है राजनीतिक व्यवस्थाओं में, एक सोच बदली है राजनीति के प्रति। अगर 2014 की बात करें तो एक अंधेरा सा छाया हुआ था देश में, लोगों का विश्वास राजनीति से उठ चुका था, लोग राजनीतिज्ञों पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते थे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। जिस गरीबी और विकास तो हमारी सरकार ने प्राथमिकता पर लिया, वह कहानी और किस्सों का बन चुकी थी। गरीबी हटाओ एक आंदोलन और नारा सिर्फ रह गया था, लेकिन वास्तव में उस गरीबी को हटाने का जो बीड़ा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया, अंत्योदय हमारे मूल में रहा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपना देखा था, पायदान की अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति तक आजादी की रोशनी की किरण पहुंचे और वह सपना आज पूरा होता जा दिखाई दे रहा है। आज गरीब को घर चाहिए, घर मिला है, घर में एक टॉयलेट होना चाहिए, घर में 24 घंटे बिजली होनी चाहिए, घर के रहगों को रहने के लिए इलाज की जरूरत है, और अगर कोई आपदा ऐसी कोरोना जैसी आ जाए तो उनके राशन का भी इंतजाम होना चाहिए। तो वास्तव में अगर गरीबी हटाने का 3 करोड़ से ज्यादा मकान देकर अगर किसी ने इस कार्य को किया है तो वह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच थी। युवाओं में, किसानों में, नई पीढ़ी में मात्र शक्ति के सम्मान की जहां बात हुई, वह भी आज ऐसे पहलू हैं जिनको आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बहुत संजीदगी से किया है। दूसरा सपना, जिस माटी से, जम्मू कश्मीर की जिस माटी से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारी पार्टी के दोनों जनक, जिन्होंने एक सपना देखा था धारा 370 का, आज उनकी जुबानी मुझे लगता है, मैं वैसा देवेंद्र जी से कह रहा था रास्ते में, स्वयं एक इंजीनियर, कुरुक्षेत्र से इंजीनियर करकर जम्मू कश्मीर की माटी से पैदा हुए लाल है और जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता भी। मैंने रास्ते में कहा, मैंने कहा आए तो गौतम बुद्ध नगर की राजनीति में बात सुनने को हो, लेकिन पत्रकार छायाकार बंधु आपको जम्मू कश्मीर की चीजों से छुआ बगैर छोड़ेंगे नहीं। तो स्वयं ये महसूस कर रहे थे कि हाँ, जम्मू कश्मीर के बारे में हम सब लोग सोचते भी हैं और उसके बारे में जानना भी चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हम नहीं जानते, तो वो मैं चाहूंगा उनकी जबानी से सुने। और उसी व्यवस्था के हिस्से के तहत आज मैं सिर्फ 2-3 मिनट में अपने क्षेत्र में जो लोकल विकास में मेरे साथी भाई सुरेंद्र नागर जी, राज्यसभा के सदस्य, हमारे महामंत्री भाई सोनाल जी, भाई देवा भाटी जी, विजय भाटी जी और सभी कार्यकर्ता बंधुओं की ओर से मैं आज के अपने मुख्य अतिथि जी का अभिनंदन करता हूं। और मुख्य विषय, राष्ट्र के मुद्दे और सभी मुद्दे स्वयं हमारे मुख्य अतिथि जी देवेंद्र राणा जी ही रखेंगे। अपने इस क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ आप जानते हैं, थोड़ी सी शब्दों में दोहरा देता हूं। साथियों, ये मेरा भी सौभाग्य है कि अपने इस क्षेत्र का कर्ज उतारने का मौका मेरी पार्टी ने, मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दिया, 4-4 विभागों में स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में, और मैंने भी उसका पूरा सदुपयोग किया। 20 वर्षों से ये जेवर एयरपोर्ट कोई लग्जरी नहीं थी, एक जरूरत थी। जहां वाशिंगटन सिटी में, जिसकी पॉपुलेशन मात्र कुल लाखों में है, 36 लाख है, वहां 3 एयरपोर्ट है, न्यूयॉर्क में 3 एयरपोर्ट है, पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम है, और एनसीआर क्षेत्र जिसकी अगर गुड़गांव से लेके मेरठ तक अगर हम नापे तो 6 करोड़ जनसंख्या के बीच में मात्र 1 एयरपोर्ट था। इस जरूरत को आज से 8 साल पहले हमारी एक एजेंसी होती है, एयर सर्विसेज को असेसमेंट की एक एजेंसी होती है, जिसने ये कहा था कि 2023 तक दिल्ली एयरपोर्ट अपनी क्षमता को पार कर चुका होगा।
और उस क्षमता को पार करने का उन्होंने वार्निंग भी दे दी थी उस वक्त की सरकारों को, कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त केंद्र में और समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, एनसीआर में एक दूसरे हवाई अड्डे का स्थापना शीघ्र की जाए वरना 2023 में यह हवाई अड्डा अपना दम तोड़ देगा। हम भी देखते थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर में रहा तो देखता था कि हवाई जहाजों में फ्यूल की वेस्टेज होती थी, समय की वेस्टेज होती थी और जरूरत भी थी कि कितनी जबरदस्त वेटिंग टाइम होता था, एक एक घंटा लोग जहाज वेट करते थे। वह जरूरत पूरी हुई, उसका सौभाग्य हमारी इस क्षेत्र को मिला, जेवर को मिला। बीच में ये बात आई थी कि आगरा के पास भी जाइए, भिवाड़ी में भी जाए, रोहतक में भी जाए, क्योंकि हरियाणा में आज तक भी एक भी एयरपोर्ट नहीं। लेकिन हम सब का सौभाग्य है कि ये एयरपोर्ट हमको मिला। और जब जब एयरपोर्ट किसी क्षेत्र में आ जाता है, गुड़गांवा क्षेत्र, हालांकि वहां पानी नहीं है, हमारे पास पानी की बहुत आयत है, गुड़गांवा क्षेत्र इसलिए डेवलप हो गया कि वहां एयरपोर्ट था। साथ में बिजली की जिस जरूरत को हम लोग महसूस करते थे कि 24 घंटे बिजली दी जाए, बिजली देंगे कहां से, जब 2014 में सरकार आई उससे पहले 15 सालों में एक भी नया पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में नहीं लगा। आज मुझे खुशी है कि एक ही दिन प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा, इसी दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट हमारे अध्यक्ष जी ऊपर आ जाए, नगर के अध्यक्ष भाई मनोज गुप्ता जी का भी अभिनंदन है, महामंत्रियों का भी, एक कुर्सी और लगा दो। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन दोनों प्रोजेक्टों की रचना करी। 30,000 करोड़ की लागत का ये पावर, ये एयरपोर्ट, और लगभग 12,000 करोड़ की लागत का 1320 मेगावाट का टीएचडीसी का पावर प्लांट, जिसके शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, आज वह सपना पूरा हो रहा है। 2024 के शुरुआत में ये दोनों प्रोजेक्ट चालू कर जाएंगे, उसकी तो तारीख भी निश्चित हो गई है, जो पावर प्लांट टीएचडीसी का खुर्जा में आया है। आज ये भी हमारा सौभाग्य है कि ये गौतम बुद्ध नगर आज देश के कोने कोने से कनेक्ट हो गया है, चाहे वो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, या यहां से लखनऊ जाने का और आगरा जाने का रास्ता हो, ये सभी कॉरिडोर और फ्रेट कॉरिडोर का गढ़ आपका ये क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर बना है। मेट्रो का जाल शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने गया था जेवर में, तो दूर दूर तक कहीं सपना भी नहीं था इस रास्ते से जिससे हम चलकर आए, इस रास्ते से जाना संभव नहीं था। आज वहां मेट्रो जाने की कल्पना की जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है लोगों का निवेश बढ़ा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के सुशासन में, जो कानून व्यवस्था में जो बदलाव आया है। अगर पत्रकार भाई बैठे हैं, धर्मेंद्र चंदेल जी यहां के मूल निवासी भी हैं, फिरोजी भी हैं, 2014 से पहले कोई विदेशी कंपनियां यहां निवेश करने के नाम पर सोचती थी, कोई निवेश नहीं हुआ, कोई भी बड़ी कंपनी पिछले 15 सालों के अंदर नहीं आई, बिल्डरों का ये शहर बस गया। और जो समस्याएं रही बिल्डरों को अलॉटमेंट करने की, कि 10% राशि लेकर बिल्डर को जमीन की अलॉटमेंट कर दी, आज उसी समस्या का दंश हम आज तक भी झेल रहे हैं। 6 यूनिट्स बन चुके हैं ये बिल्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया गया, आज उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देते हुए आप देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी मेट्रो की हो, जिसकी भी संरचना स्वयं प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, एमिटी कॉलेज के अंदर आकर इसकी नींव रखी थी। आज मेट्रो का जाल ग्रेटर नोएडा और नोएडा और उससे जेवर से आगे इसी लाइन को कनेक्ट करते हुए आगे तक ले जाएंगे। ये एयरपोर्ट अपने आप में एक पहला संपूर्ण एयरपोर्ट है अपने देश का, संपूर्ण एयरपोर्ट कहते हैं जिसमें तीनों सुविधाएं साथ साथ, जहां यात्रियों के ले जाने की सुविधा भी हो, जहां जहाज की मरम्मत का काम भी हो और जहां माल ढोने के लिए कार्गो की सुविधा भी हो। ये जब तीनों एक एयरपोर्ट में होती है तो वही एयरपोर्ट इकोनॉमिकली वायबल होता है, वरना अगर जहाज में किसी दिन सवारी कम हो तो उसमें माल ढोकर उसकी कमी को पूरा कर लिया जाता है। तो साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि कर्मभूमि की माटी ने मुझे भी और भाई सुरेंद्र नागर जी को भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। बाकी सभी विषयों पर आज के हमारे मुख्य अतिथि देवेंद्र जी इस पर चर्चा करेंगे। ये आपके सामने कल्चरल इंस्टीट्यूट बनी हुई तैयार खड़ी है, लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से मात्र 14 महीने में ये बन गई थी। दो टूरिज्म मिनिस्ट्री की कल्चर इंस्टीट्यूट
और देश की पहली फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट भी आपके नोएडा के अंदर आकर बन गई, जो भी मुझे खुशी है कि उनका शिलान्यास भी हम ही लोगों ने किया और उसका उद्घाटन भी हम ही लोगों ने किया है। ये हमारे सारे प्रोजेक्ट नोएडा गौतम बुद्ध नगर के अगर हम ध्यान दें तो इसके शिलान्यास के भी हम साक्षी रहे और इनके उद्घाटन के भी हम साक्षी रहे और कुछ के बनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को कि उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य से उन्होंने एक विकासशील और विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा किया है और उसमें भी जो अब निवेश हुआ है उसका 26% अपने गौतम बुद्ध नगर में हुआ है। गौतम बुद्ध नगर आज शो विंडो है हमारे उत्तर प्रदेश की, दिल्ली के मुहाने पर, एनसीआर पर है। मैं आप सबको भी बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं।